नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम एटी पर। यहाँ पर हम चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे। आज अपन उसके आगे के कुछ टाइप्स और पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुछ गडेरिया अपनी भेड़े चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या पर को ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें कुछ व्यक्ति होंगे और कुछ जानवर वगैरह, मतलब दो प्रकार के लोग दिए रहेंगे, उनकी अपन को सर और पैरों की संख्या दी रहेगी और अपन को उसमें से उनकी संख्या पूछेगी, कितने व्यक्ति हैं या कितने जानवर हैं, ये अपन से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछा है, देखते हैं इनको करते अपन कैसे हैं। ठीक है, कुछ गडेरिया अपनी भेड़े चरा रहे हैं, जमीन पर कुल कितने 230 पैर है, अपन को मानना है गडेरिया है और कौन है भेड़ है। ठीक है, पैर और सिर, गडेरिया के कितने सिर होते, ठीक है एक और भेड़ का भी एक, मान लो एक्स गडेरिया तो कितने सिर हो जाएंगे इनके एक्स और भेड़ के कितने हो जाएंगे वाई। ठीक है, अब गडेरिया के पैर कितने होते हैं दो, तो कितने पैर हो जाएंगे एक गडेरिया के दो पैर, एक्स गडेरिया कितने हो जाएंगे टू एक्स पैर हो जाएंगे। ठीक है, और भेड़ कितने हैं वाई, और एक भेड़ के पैर कितने होते हैं अपने चार, तो कितने पैर हो जाएंगे उसके फोर वाई। ठीक है, अपन ने मान लिया गडेरिया एक्स है तो एक्स गडेरिया के कितने सिर हो जाएंगे एक्स, क्योंकि प्रत्येक गडेरिया क्या प्रत्येक व्यक्ति कितने सिर होते एक, भेड़ का भी एक सिर होता है तो वाई भेड़ है तो उनके सिर कितने हो जाएंगे अपने वाई। ठीक है, ऐसे एक गडेरिया है उसके पैर कितने हैं दो, तो उसके एक्स गडेरिया कितने हो जाएंगे टू एक्स, ऐसे भेड़ के हो जाएंगे अपने फोर। अब हमने कैसे दिए क्वेश्चन में, जमीन पर कुल 230 पैर है, टू एक्स गडेरिया के और फोर वाई भेड़ के, दो टर्म लेके कितने हो जाएंगे अपने टू एक्स प्लस फोर वाई, इन्होंने कितने दिए 230। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी एक्स प्लस वाई, सिर की संख्या कितनी है 60, समीकरण दो, इनको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे इसमें दो का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 120, ऊपर क्या है 2x प्लस 4y बराबर 230, इन दोनों में क्या माइनस करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 4y में से 2y जाएगा, क्या बचेगा 2y। अब 230 में से 120 माइनस होंगे कितने बचेंगे 0, 1, 1, 110, 2 से कैंसिल करें तो y बराबर क्या जाएगा अपना 55। y अपन ने क्या माना था भेड़, तो भेड़ों की संख्या कितनी हो गई अपनी 55, भेड़ हो गई अपनी 55, गडेरिया कितने हो जाएंगे अपने इसमें से माइनस करके दे तो 5। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सरों की कुल संख्या 55 और पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या अपन को निकालनी है। इसमें क्या हम कौन है, तोते हैं और बकरियां हैं। ठीक है, यहां मानेंगे अपन सिर और पैर, सिर और पैर, सिर कितने है? मान लिए तोते का एक, तोते का एक सिर है तो एक तोते कितने हो जाएंगे एक सिर, और बकरियों के वाई मान लिए तो वाई हो जाएगी। ठीक है, पैर कितने हो, एक तोते कितने दो पैर होते हैं, तो एक्स तोते कितने पैर हो जाएंगे टू एक्स। ठीक है, टू एक्स, एक बकरी के कितने पैर होते हैं चार, तो वाई बकरियों कितने हो जाएंगे फोर वाई। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, उनके सरों की कुल संख्या 55 है, एक्स तोते के सर एक्स और वाई बकरियों के वाई, टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे 55। ठीक है, अब टू एक्स पैर तोतों के और फोर वाई बकरियों के, टोटल कितने हैं 90। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, इसमें दो का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 110, माइनस 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 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4y माइनस 2y माइनस होगा 2y बराबर 20। ठीक है, बाई बराबर क्या जाएगा अपना 10, बाई की वैल्यू आई अपनी 10, मतलब कितना बकरियों की संख्या क्या आएगी अपनी 10, तो फिर तोतों की संख्या कितनी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन रख देंगे एक्स प्लस वाई बराबर 55, बाई का मान 10 रखेंगे तो एक्स कितना आएगा 55 माइनस 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी 45। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल अपन को 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो। ये भाज्य बराबर मतलब भागफल वाले अपने क्वेश्चन आते हैं, इनको अपन कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है,
1265 क्या है, 1265 किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84.5 प्राप्त हो। तो इसका अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले में कोई भी तीन चीज अपन को दी जाएंगी और चौथी अपन को हमेशा निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्या करे 1265 किस संख्या से भाग दें, जिसमें अपन को भाग दे रहे हैं वो क्या होती है अपनी भाज्य। 1265 हो गया अपना भाज्य, ठीक है। 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें मतलब भाजक निकालना, किससे भाग दें मतलब जिस संख्या से अपन भाग देते हैं वो होता है अपना भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं वो होता है अपनी भाज्य। भाज्य क्या होता है, जिसमें अपन भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं, और भाजक क्या होता है जिससे भाग देते हैं, जिससे भाज्य में भाग देते हैं, ठीक है। जिस संख्या में अपन भाग देंगे वो क्या है भाज्य, और जिससे भाग देंगे वो जाएगा अपना भाजक। यहाँ पे भाजक क्या है, किस संख्या से भाग देंगे मतलब निकालना है अपन को भाजक, मान लेंगे एक्स, ठीक है, गुणा भागफल। भागफल ने डायरेक्ट अपन को दिया है 84। यहाँ पर भागफल क्या होता है, जितनी बार भाजक से भाज्य में भाग पूरा पूरा चला जाता है वो होता है अपना भागफल। शेषफल क्या होता है, भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती है अपनी भाज्य में से उसे क्या कहते हैं शेषफल। शेषफल का मान दिया है 5। इसको सॉल्व करते हैं 5 इसका जाएगा कितना हो जाएगा 1260 बराबर x इंटू 84, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको बचे 84, 12 से कटेगा, 12 छह 72, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 7 एकम 7 और 7 पंद्रह 35, x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 15। मतलब 15 से अगर अपन 1265 में भाग देते हैं तो भाग पर अपन को 84 और शेष पर अपन को 5 मिल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में याद रखना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष पर। भाज्य हो गया जिससे भाग, जिसमें भाग देते हैं, और भाजक जिससे भाज्य में अपन भाग देते हो। भागफल जितनी बार पूरा भाग चला जाए वो भागफल, और जो लास्ट में से बचे उसे शेषफल अपन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1708 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो क्या 1708 में कौन सी संख्या घटा रहे, जब भी घटाने की बात हो तो क्या करेंगे, 1708 में अपन को से घटाना है, तो इसमें अपन किससे, जिससे ने कहा है भाग देने के लिए, 13 से अपन भाग देते हैं। कैसे भाग देते, 13 से भाग देते, 13 एकम 13, 4 बचेगा 0, 13 3 39, 1 बचेगा 1 और 8 13 एकम 13। जब अपन से पूछा जाए कितनी कौन सी संख्या अपन घटा दें, तो अपन जितने जितनी संख्या अपन की लास्ट में उससे ज्यादा बार भाग न देंगे उतनी बार भाग, जितना बार पूरा पूरा चला जाए, मतलब शेष बचाते हैं। कितना बचा है यहाँ पे शेष 5, तो अपनी जी संख्या क्या है, अपन इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो संख्या अपनी पूरी कट जाएगी। जब भी अपन से पूछा जाए कि कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें किस संख्या में से कि वो पूरी पूरी कट जाए, तो क्या करते हैं अपन भाग एक कम तक ही देते हैं, जितने बार पूरा जाए उतना देंगे, एक्स्ट्रा नहीं देंगे। एक्स्ट्रा देंगे क्या हो जाएगी अपनी, अगर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देते 13 × 26 तो क्या आता अपना माइनस में संख्या आती -8, तो जितना अपन को क्या करना पड़ता ऐड करना पड़ता। लेकिन जब अपन से घटाने की पूछा जो अपन कितना बार जितना पूरा पूरा ज्यादा उतनी बार ही भाग देते हो, जो शेष बचता है उसे क्या है उसमें से माइनस करना, या फिर अपना आंसर क्या हो जाता है भाई, अपना आंसर क्या करूंगे 1708 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दे, तो कितनी घटा दे अपन 5 घटा देंगे, तो क्या नई संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। इसमें 5 घटाते हैं -5 करेंगे क्या हो जाएगा 1703, अगर आप इसको 3 से काटते हैं जो पूरी संख्या अपनी कट जाएगी, ठीक है, पूरी अपनी कट जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1507 में कौन छोटी छोटी संख्या जोड़ने की प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अभी पिछला क्वेश्चन अपन ने कौन सा पढ़ा, कौन सी संख्या घटा दें, घटाने में अपन क्या कर रहे थे जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उतनी बार दे रहे थे, अब जोड़ना है तो कैसे करते हैं देखते हैं, और अच्छे समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन जब करेंगे। 1507 है कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें, अब उन्हें जोड़ने के लिए भाग किससे देना 18 से, 18 से अपन उसमें भाग देते हैं 18 एकम 18, भाग नहीं जाएगा तो अपन 156 पूरा देंगे, कितनी बार जाएगा 18 पंच 90, 18 छक्का 100, 18 सत्ते 126, 18 अठे 144, ठीक है। 18 नंबर ज्यादा हो जाएगा तो 18 अठे 144 अपन भाग देंगे, 144 कितना बचेगा 2 1, 12 शेष बचेंगे,
अंक कौन सा लेंगे? जीरो, 120। अब 18 का भाग देना 120 से कितनी बार जाएगा? 18 पंचे 90, 18 छक्का 118, 7 के 126 अपना ज्यादा हो जाए तो कितनी बार लेंगे अपन? 18 छक्का 108 तक लेंगे। पर देखा अपन जब 108 तक अपन ले रहे हैं तो क्या है 120 से कम आ रही, मतलब अपना शेष किस में? प्लस में बचा, मतलब जब अपन 12 घटा देंगे तो अपनी संख्या 18 से विभाजित होगी। पर क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा है? कितना जोड़ दें, तो अपन को इस बार क्या करना है? जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे अपन? 18 छक्का 108 कम हो रहा था, अपन ज्यादा बार देंगे 18 सत्ते 126। अब संख्या ज्यादा हो रही है अपनी, तो क्या है अपन को 6 अगर अपन जोड़ देते 120 की जगह 126 होते तो अपना शेष 0 बच जाता। तो मतलब अगर अपन इसमें 6 जोड़ देते हैं तो अपनी संख्या कट जाएगी। तो सीधा याद रखना, जब भी घटाने की बात हो तो क्या करेंगे? जितनी बार भाग जा रहा उतनी बार ही भाग देंगे, लेकिन जब जोड़ने की बात हो तो अपन जितनी बार भाग गया उससे एक बार एक्स्ट्रा अपन को भाग देना है। तो अपने जोड़ने पर कितना बचेगा यहाँ पे? 6, मतलब 6 जोड़ने पर 18 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करते? इसमें संख्या नहीं दी जाएगी किस संख्या में भाग देना है, बस ये दिया जाएगा एक संख्या है उसमें ये अपन की संख्या से भाग दे रहे तो इतना शेष बचता है। जैसे एक संख्या दी कोई है उसमें 69 से भाग दिया तो कितना शेष बच रहा? 45। फिर उन्होंने कहा उसी संख्या मतलब एक्स में ही अगर 23 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, ये अपन को निकालना है। तो इसको अपन कैसे करते हैं? इस संख्या से अपन कोई मतलब नहीं है क्या है, बस अपन यहाँ पे चेक करना पहले किससे भाग दे रहे हैं। किससे भाग दिया पहले? 69 से भाग दिया तो कितना शेष बचा था? 45। फिर वो किससे कह रहा है? 23 से भाग। अपन चेक करते हैं जिस दोनों भाग देने वाली आपस में कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। 23 से चेक किया 69 कट जाएगी, 23 दिया 69, तो अपन को कुछ नहीं करना है। अगर कट रही है तो जो दूसरी संख्या है उसका पहली वाले के शेष में डायरेक्ट अपन भाग देते हैं। 23 का अपन किस में भाग देंगे? अब 45 में कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी? 23 एकम 23, शेष कितना बचेगा अपना? 45 का भाग देंगे 23 का, एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 22। 22 अपना आंसर हो जाएगा। जब दोनों संख्या जिनसे भाग देना आपस में कर रही है तो दूसरी संख्या सीधा किसके पहले के शेष में भाग देते हैं, जो शेष बचेगा वही अपना आंसर हो। इस संख्या भाग देने पर भी अपना उतना ही शेष बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना? 22। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहले जान लेते, अपन को जानना है भाज्यता, मतलब कोई संख्या किस संख्या से कट रही है तो अपन को डायरेक्ट चेक करना है कैसे चेक करते हैं। जैसे कोई संख्या दी है पूछा गया कि ये 3 से विभाज्य अथवा नहीं है, तो अपन कैसे पता करें वो 3 से कट रही है कि नहीं बिना भाग दिए, या वो 9 से विभाज्य, 11 से, 7 से, किसी संख्या से ही पूछ सकते हैं विभाज्य, तो अपन कैसे पता करते हैं देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं 2, 2 से चेक करेंगे, फिर 2 से कौन कौन सी संख्या कर सकती है, कैसे चेक करते हैं कि 2 से कट रही है वो। जैसे अपन को कोई संख्या दी है 210 या 598, ऐसी करके अपन को संख्या दी तो अपन कैसे चेक करें? सबसे पहले जाए 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है, ऐसी संख्याएं जिनकी लास्ट में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अंक लास्ट में दिख जाए अपन को तो वो संख्या क्या है? 2 से अपनी कट जाएगी। जैसे 210 में क्या है लास्ट में क्या है? 0, तो 2 से कट जाएगी। काट कर देते 2 एकम 2, 1 में जाएगा 0, 2 पंचे 10, देखो कैंसिल होगी। इसमें क्या है? इसमें क्या है? 8। 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 2 नाम 18, ऐसी संख्या है जिनके अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या 2 से अपनी विभाजित हो जाती है। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट। 2 के बाद क्या? 3। कौन सी संख्या 3 से कट जाती है? ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे अपन को कोई संख्या दी है 318, ठीक है, और इसके अंकों को अपन जोड़ते हैं 3 और 1, 4 और 8, 12, अंकों का योग कितना हो गया इसके? 12। 3 + 1 + 8 = कितना हो गया? 12। अगर कोई संख्या अपन को दी हो पूछा है जी 3 से कटेगी नहीं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? उसके अंकों को जोड़ेंगे 3 + 1 + 8, तो कितने हो जाएंगे अपने? 12। अब चेक करते हैं 3 12 से कटता है कि नहीं। 3 के 12 में 12 था, 3 चौके 12, तो जी संख्या भी अपनी 3 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे देख लेते एक और क्वेश्चन। जैसे कोई संख्या अपन को दी है 1743, इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं 1 और 7 8 और 4 12 और 3 15, 3 के पारे 15 आता है, यहाँ आता है तो 3 5 15,
जे तीन से कट गई तो जे पूरी संख्या भी फिर तीन से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं चार का नियम, चार कैसे, चार के में कैसे करते हैं। कोई संख्या दी है अपन को चेक करना है वो चार से विभाज्य है कि नहीं, तो कैसे चेक करते हैं। जैसे दी है अपन को कोई संख्या 1524, ठीक है, एक संख्या दी है, अपन से पूछा है ये चार से विभाज्य है कि नहीं, या अपन इसमें डायरेक्ट चार का भाग दे दें या फिर सॉल्व से कैसे इसको देखते हैं कि ये कैंसिल होगी कि नहीं। अपन देखते हैं इसकी इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बन रही है, इकाई और दहाई के अंक से जो भी संख्या बन रही है अगर वो चार से विभाजित है तो पूरी संख्या ये फिर चार से विभाजित हो जाएगी। क्या है इसमें इकाई और दहाई के अंक, टू और फोर, चौबीस, चौबीस के चार के पार से कटता है, हाँ कटता है, तो क्या है जी पूरी संख्या चार के पार से कट जाएगी। चेक करते हैं, चार किया बारह, तीन बचेंगे, चार अच्छे बत्तीस, चार एक चार कट गई। ठीक है, और देख लेते हैं कैसी क्वेश्चन दी है, 1864, इसमें क्या है 64 है इकाई उदाई की संख्या कौन सी करनी है अपनी 64, ये चार के पहाड़े से कटती है, चार एकम चार, चार छह 24, मतलब जो पूरी संख्या भी अपनी चार के पहाड़े से कट जाएगी, मतलब चार से कट जाएगी। अब देखते हैं पांच, पांच से कौन कौन संख्या करेगी, ऐसी संख्या जिनके इकाई का अंक जीरो हो या पांच हो, वो संख्या क्या है पांच से विभाजित हो जाएंगी। क्या होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए या पांच, इसके अलावा कोई भी अंक होगा तो वो संख्या अपनी पांच से नहीं कटेगी। जैसे देखते हैं 265, 710, ये क्या है इसके इकाई का अंक क्या है पांच, तो ये क्या है पांच से अपनी कट जाएगी, 710 इसके इकाई का अंक क्या है जीरो, तो पांच से कट जाएगा। अगर अपन को दिया 814, अब इसके इकाई का अंक क्या है अपना चार, तो ये अपनी पांच से नहीं कटेगी। काट के देखते हैं, पांच एकम पांच, तीन बचे पांच छक्का तीस, एक बचा पांच दूनी दस, चार से बच रहे, मतलब ये पांच से अपनी पूरी पूरी नहीं कट रही है, मतलब जिसके इकाई का अंक क्या रहेगा जीरो या पांच होना चाहिए तभी वो संख्या अपनी पांच से विभाजित हो, कितनी भी लंबी संख्या हो। अगर इसके इकाई का अंक पांच है, ये पांच से अपनी कट जाएगी। काट के देखते हैं, पांच तीया पंद्रह, दो बचे पांच चौको बीस, तीन बचे पांच सत्ते पैंतीस, एक चौदह, पांच दूनी दस, पांच नौ पैंतालीस, कितनी बड़ी संख्या, बस अपन को चेक क्या करना है ओनली इकाई का, अगर जीरो या पांच है तो संख्या पांच से विभाजित हो जाएगी, नहीं है तो पांच से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, पांच के बाद छह, छह से कौन कौन संख्या छह से करेंगे, अपन ने पढ़ा अभी दो का नियम, दो के में क्या पढ़ा जो संख्या अंक इकाई का जीरो दो चार छह और आठ है वो दो से कैंसिल हो जाएगी, और तीन के में क्या पढ़ा जिसके अंकों का योग तीन से विभाजित है वो संख्या भी तीन से विभाजित हो जाएगी। अब छह के में क्या पढ़े, छह को क्या लिख सकते हैं दो इंटू तीन, मतलब ऐसी संख्या जो दो से विभाजित है और तीन से भी विभाजित है वो किससे विभाजित हो जाएगी, छह से भी विभाजित हो जाएगी, दोनों से विभाजित होनी चाहिए दो से भी और तीन से भी, तो वो संख्या किससे छह से विभाजित, अगर एक किसी से विभाजित है जरूरी नहीं है वो छह से विभाजित होगी। जैसे अपन को कोई संख्या दी है 216, ठीक है, इसमें अपन ने चेक किया इकाई का अंक क्या है छह, मतलब ये दो से अपनी कट जाएगी, चेक हो गया। अब चेक करेंगे तीन से, दो प्लस एक तीन और छह नौ, अंकों का योग कितना है नौ, ये तीन से कटता है, मतलब दो से भी कट दीजिए संख्या और अपनी तीन से भी कर दीजिए संख्या क्या है अपनी छह से भी विभाजित होगी होगी। ठीक है, और अगर अपन को संख्या दी जैसे कोई 218 करके, ठीक है, इसमें देखते हैं अपन दो इकाई का अंक आज है दो से जी कट जाएगी, दो से विभाजित है लेकिन अंकों को जोड़ते हैं, दो और एक तीन और आज ग्यारह, ग्यारह तीन से नहीं कटता है, मतलब ये संख्या तीन से नहीं कटती पर दो से कटे, लेकिन ये छह से भी नहीं कटेगी क्योंकि दो और तीन दोनों से कटेगी जब ये अपनी संख्या छह से भी कटेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नियम के, नेक्स्ट क्या है छह के बाद सात, सात, सात में क्या है यदि एक कोई अपन को संख्या दी है 343 मान लिया, ठीक है, क्या करना है इसमें, सात का नियम थोड़ा अलग है, इसको देखते हैं कैसे करें। 343 इकाई का अंक लेंगे अपन, इसमें इकाई का अंक लेंगे उसका करेंगे दोगुना, तीन का दोगुना क्या हो जाएगा छह, इकाई के अंक का क्या करेंगे दोगुना, और जो शेष संख्या बचेगी उसमें से माइनस करेंगे, शेष क्या है 34 माइनस छह तो कितना बचेगा जी 28। अब जो मिल रहा है अगर जिस सात से कटता है तो अपनी पूरी संख्या भी सात से विभाजित हो जाएगी। कैसे करना है सात के नियम में, कोई भी संख्या दी है उसकी इकाई का अंक करेंगे दोगुना, तीन का दोगुना छह,
और जो शेष संख्या बची है इकाई का अंक छोड़ के जो संख्या बचेगी उसमें से क्या करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा जो भी संख्या बची अगर वो सात से कैंसिल हो रही है तो अपनी पूरी संख्या भी सात से कैंसिल हो जाएगा, सात से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ आठ। आठ से कैसे करेंगे, अगर कोई संख्या अपन को दी है उसके इकाई दाई और सैकड़ा से बनी संख्या आठ से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी आठ से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं 5240 एक अपन को संख्या दी है, क्या है इसमें इकाई दहाई और इकाई दहाई और सैकड़ा दो दो चार, इसमें अपन आठ से भाग देंगे, बस आठ से भाग दिया, आठ की 24 कैंसिल हो गई, तो जब अपनी पूरी संख्या भी अपनी आठ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आठ के विभाजित का नियम क्या है, अगर कोई संख्या कि इकाई दहाई और सैकड़ा बड़ी संख्या आठ से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी अपनी आठ से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नौ का नियम। नौ का नियम बिल्कुल तीन के नियम जैसा है, क्या है नौ के नियम में क्या है, अगर कोई संख्या है उसके अंकों का योग नौ से विभाजित है तो वो संख्या भी अपनी क्या हो जाएगी नौ से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया अपन को 576, ठीक है, अब इसके अंकों को जोड़ते हैं 5 + 7 + 6 कितना होगा 5 7 12 6 18 18 के अंकों की पहाड़ी में आता है 9 से मतलब 18 करता है 9 2 18 तो ये संख्या भी अपनी क्या है 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखते हैं 10 का नियम। 10 के में का सिंपल है, अगर जिस किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो ही वो 10 से विभाजित होगी अन्यथा नहीं होगी। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से विभाजित, कोई भी अंक लिख लो, कोई भी अंक लिख सकते हैं अपन, अगर इनके इकाई का अंक 0 है तभी वो 10 से कटेगी अथवा नहीं कटेगी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नियम 11 का नियम, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है 11 का। ठीक है, 11 के नियम में क्या है, कोई अपन को संख्या दी है 13 61 052 ये अपन को एक संख्या दी है, इसमें क्या करना है अपन को उसके सम और विषम स्थान लेने हैं। सम विषम क्या है, गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, पहले फिर तीसरा फिर पांचवा फिर सातवां, ठीक है, और फिर क्या लेना है दूसरा चौथा और छठवां, ठीक है, इनको लेना है अपन को। अब इनको विषम स्थान को जोड़ना प्लस सम स्थान को जोड़ना, विषम क्या है 6 2 8 9 और जे भी कितना हो जाएगा 9, अगर इनका अंतर विषम स्थान के अंकों का योग प्लस सम स्थान के अंकों का योग का अंतर, इनका अपन योग कर दिया विषम का और सम का योग कर दिया कितना आया 9 9, अगर इनका अंतर मतलब दोनों को माइनस करेंगे हम 0 या 11 का कोई गुणनखंड है, 11 का गुणनखंड है तो वो संख्या अपनी पूरी क्या है 11 से विभाजित मानी जाए, इनका अंतर कितना आ रहा अपना 0 तो ये 11 से कटेगी या फिर क्या होना चाहिए 11 11 गुणनखंड क्या हो तो 11 22 33 ऐसे करके आने वाले जो 11 के पहाड़े में आए तो अपनी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा डाउट्स को अपने कमेंट सेक्शन में पूछते रहें।